नेक्स्ट नाइन न्यूज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा सिंह। क्या आजम खान की जान अब खतरे में है? क्या आजम खान के साथ भी कोई बड़ा हादसा जेल में हो सकता है? आखिरकार ये सवाल बार बार क्यों उठ रहा है? दरअसल आपको बता दें कि आजम खान इस वक्त उत्तर प्रदेश की सीतापुर जेल में बंद हैं। उनके खिलाफ कई मामले चल रहे हैं और दो जन्म प्रमाण पत्र मामले में रामपुर के एमपी एमएलए कोर्ट ने आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम को दोषी करार करते हुए 7 साल की सजा सुनाई थी और इसी मामले में आजम खान और उनकी पत्नी तंजन फातिमा को भी 7-7 साल की सजा सुनाई थी। अब आपके मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि आजम खान तो लगभग 4 से 5 महीनों से सीतापुर जेल में बंद हैं, फिर आखिरकार अब अचानक से ये सवाल क्यों उठ रहा है? दरअसल आपको बता दें कि बीते 28 मार्च को उत्तर प्रदेश में माफिया डॉन गैंगस्टर कहे जाने वाले मुख्तार अंसारी का निधन हो जाता है। बांदा के मेडिकल कॉलेज में वे दम तोड़ देते हैं। निधन की वजह कार्डियक अरेस्ट बताई जाती है, लेकिन उनके परिवार का कहना है कि मुख्तार अंसारी को जेल में स्लो पॉइजन दिया गया और जिसके चलते मुख्तार अंसारी धीरे धीरे कमज़ोर होते चले गए और आखिरकार 28 मार्च की रात उन्होंने दम तोड़ दिया। अब ऐसे में कहा जा रहा है कि क्या मुख्तार अंसारी की तरह आजम खान के साथ भी कोई ऐसा हादसा हो सकता है, कोई ऐसी साजिश हो सकती है। तो आपको बता दें कि जब रामपुर एमपी एमएलए कोर्ट ने आजम खान और उनके परिवार के खिलाफ फैसला सुनाया था तो परिवार के 3 सदस्य रामपुर जेल में बंद थे, लेकिन इसके बाद अचानक देखने के लिए मिलता है कि पुलिस कोर्ट के सामने दलील देती है कि परिवार के 3 सदस्यों को एक साथ नहीं रखना चाहिए, जिसके बाद अदालत के आदेश के बाद आजम खान को सीतापुर जेल में शिफ्ट कर दिया जाता है, उनकी पत्नी तंजन फातिमा को रामपुर जेल में ही रखा जाता है और बेटे अब्दुल्ला आजम को हरदोई जेल में बंद कर दिया जाता है। ऐसे में जब आजम खान को सीतापुर जेल शिफ्ट किया जा रहा था तो आजम खान ने एक बयान दिया था। सबसे पहले आप उनके बयान को सुनिए। हमारा एनकाउंटर भी हो सकता है, आप लोग कुछ भी हो सकता है। थोड़ा पीछे नहीं, देखो मैं आपको कमांड दे सकते हैं, एडिशन हमारा हाथ हो चुका है। इसमें बहुत मजबूती से बब्बा अच्छा दो जादरे हाँ देना, आप बेफिकर रहिए हर चीज, मैं हूँ ना अभी मैं तो सामान आराम से रखूँ। आप बेफिकर आगे बैठो, और आगे बैठो, आगे बैठो, सामान आराम से। कितने आ गए? नहीं, हमारी कमर ही नहीं है इस बात, हम बिल्कुल नहीं बैठ सकते, नहीं हम नहीं बैठ सकते। हो जाइए, थोड़ा सा उधर हो जाइए, हम हिदायत करेंगे, हम नहीं नहीं हिदायत करेंगे, हम जो हम नहीं बैठ सकते ना, चलो बैठ जाओ, हाथ पैर तोड़ के ले जाओ, हमारे दूसरी बात नहीं, चलो बिना बैठा उधर थोड़ा सा अंदर हो जाइए। तो देखा
आपने और सुना भी। आजम खान साफ तौर पर कहते हुए नजर आए कि उनके खिलाफ साजिश रची जा रही है, पुलिस पर भरोसा नहीं किया जा सकता, उनकी हत्या हो सकती है। और अब ये सवाल एक बार फिर से उठ रहा है कि क्या मुख्तार अंसारी के बाद अब अगला नंबर आजम खान का है। आजम खान को लेकर यूपी की सियासत एक बार फिर से गर्माती हुई नजर आ रही है। हाल ही में यानी कि अगर तारीख की बात करें तो 22 मार्च को समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव सीतापुर के दौरे पर थे और इस दौरान वे आजम खान से मिलने के लिए सीतापुर जेल भी पहुंचे थे। और ये सवाल अखिलेश यादव ने भी उठाया था कि जब तीनों सदस्यों को एक ही मामले में सजा सुनाई गई है तो आखिरकार तीनों को अलग अलग जेल में क्यों रखा गया है। सुनिए जरा अखिलेश यादव के बयान। क्या सरकार यही तकलीफ परेशानी देना चाहती है और वो भी झूठे मुकदमे लगना। सरकार ये कहती है कि दुनिया में उनकी पार्टी सबसे बड़ी है, लेकिन जो लग रहा है भारतीय जनता पार्टी वर्ल्ड रिकॉर्ड नहीं, ये वर्ल्ड रिकॉर्ड से ऊपर चले गए हैं, ब्रह्मांड रिकॉर्ड बना रहे हैं झूठे मुकदमों का। लगातार वर्ल्ड रिकॉर्ड नहीं, ब्रह्मांड का रिकॉर्ड बना रहे हैं झूठे मुकदमों का। और केवल उत्तर प्रदेश नहीं, रामपुर टिकट को कहीं पर देख लीजिए आप, हर जगह मुकदमे झूठे लगाए जा रहे हैं। और जो इलेक्ट्रोल बॉन्ड ने अभिषेक जो इलेक्ट्रोल बॉन्ड ने भारतीय जनता पार्टी का बैंड बजाया उसकी वजह से आप दिल्ली को भी देख लीजिए कि दिल्ली में क्या हो रहा है। क्या देश ये स्वीकार करेगा झूठे मुकदमे लगा के लोगों को जेल भेज दे? और अन्याय की कोई उम्र नहीं होती है, जुल्म की करने वाला कितना भी जुल्म करेगा अंत में सच्चाई की जीत होगी, सच्चाई की जीत होगी। देखा आपने और सुना भी। क्या वाकई में आजम खान को जो डर सता रहा है क्या वो सही है? क्या आजम खान को जिस तरह से सीतापुर जेल में शिफ्ट किया गया है, क्या सवालों के घेरे में एक बार फिर से प्रशासन आता हुआ नजर आ रहा है? आपकी इस पूरी रिपोर्ट को लेकर क्या कुछ राय प्रतिक्रिया है आप कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।